जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान पहाड़ में रहने वाले सभर जाति के लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है, जहां भिलाई पहाड़ी जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राहत सामग्री का वितरण किया है। जायजा लिया संवाददाता प्रभात कुमार ने। कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हर कोई अपने अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है। मैं भी एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर रहने वाले ये जो सबर जाति के जो है लोग हैं, वो पहाड़ पे ही अमूमन रहते हैं। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते थे। वैसे में यहाँ के एक सामाजिक संगठन है, यहाँ के जिला परिषद है, वो यहाँ पहुँचे हैं और सबर बस्ती में आकर जो सबर बस्ती में आए हैं और वहाँ पे इन लोगों को भोजन कराया जा रहा है। वहाँ पे ये पहुँचे हैं और पहुंचकर यहाँ पे ये खाना खिला रहे हैं और लोगों को साथ ही साथ मास्क भी दिया जा रहा है। अब ये देखिए, ये इन लोगों के पास मास्क नहीं है, मास्क भी बांटा जा रहा है। तो निश्चित है, ये जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिनके जो सक्षम नहीं है खाना खाने में, वैसे लोग को आप जिनके पास समर्थ है वो वहाँ पहुँचे और लोगों को भोजन कराएं। निश्चित है, भोजन के साथ साथ यहाँ पे मास्क भी दिया जा रहा है। ये देखिए, ये खाने में खिचड़ी है, बचका है, चटनी है। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ के जो जिला पार्षद है जी। अब बताएं आप, यहाँ पे कौन सी बस्ती है और कहाँ आप क्या करने कर रहे हैं? ये देवघर पंचायत के सबर टोला खड़ियाडी बस्ती है। यहाँ काफ़ी गरीब लोग रहते हैं और पहाड़ से सटे हुए गाँव हैं, और मैं काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में खाद्य सामग्री को बाँट रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, सबर टोला में मुझे खाद्य सामग्री छोड़कर खाना बांटना चाहिए। इसीलिए मैं अपना मन बनाया कि यहाँ के लोगों को खाना खिलाएंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है और मास्क भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ बस्तियों में सैनिटाइज भी किया जाता है। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है। निश्चित है, ये सबर जाति बहुत कम पढ़े लिखे क्या, पढ़े लिखे होते ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ पे रहते हैं। इनका काम है जंगल से पत्तल चुग के लाना, लकड़ी काट कर अपने भरण पोषण करना। तो निश्चित है, ये इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा आह्वान भी है कि जो लोग सक्षम नहीं हैं उन तक आप पहुँचे और उन तक उनको भोजन कराएं, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई भूखा ना रह सके। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर।